वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो आपका अर्थ क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट बचा हुआ था, ठीक है। बी पार्ट आपका बचा हुआ था, ठीक है। डीएनए अणु की द्विकुंडलनी की स्थिरता, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। स्थिरता को स्पष्ट करना है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन उसका छूटा हुआ था। स्थिरता को स्पष्ट करना है, ठीक है। डीएनए की द्विकुंडलीय की स्थिरता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड बी पोर्शन आपका रह गया था। तो आज हम इसको, इस वीडियो में हम इसको जानेंगे कि जो आपका डीएनए की द्विकुंडलनी होती है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, ठीक है। क्या रीजन है, क्या कारण है, कौन कौन से बॉन्ड उसमें हैं, क्यों किस तरह से जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्टेबल होता है जो कि आसानी से बॉडी के अंदर टूटता बिखरता नहीं है, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड इसमें जो है आपके देखने को मिलते हैं, तो हम बात करेंगे डीएनए द्विकुंडलनी की स्थिरता, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स कुंडलनी। कह रहा डीएनए कुंडलनियों की स्थिरता मुख्यतः उन हाइड्रोजन बंधों, किससे, मुख्यतः उन हाइड्रोजन बंधों से होती है जिनसे वे, जिनसे कि दो सूत्रों के आमने सामने के समाक्षर अणु जुड़े रहते हैं। दो सूत्रों के, ठीक है, दो सूत्रों के आमने सामने के समाक्षर एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, जिन हाइड्रोजन बंधों द्वारा उन्हीं से इसकी स्थिरता जो है होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं जो आपके दो सूत्र होते हैं, ठीक है। दो सूत्र मतलब जो कि आपकी दो संरचनाएं, दो रेखाएं पाई जाती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं दो सूत्र। एक सूत्र आपका ये है, दूसरा आपका ये है, फिफ्थ कार्बन और थ्री कार्बन। तो सूत्र ए और सूत्र बी, ये दोनों आपके किससे लगे रहते हैं, हाइड्रोजन बंधों से, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बंध किन किन के बीच में पाए जाते हैं, ये आपके प्यूरीन और पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, ये दोनों क्या होते हैं आपके नाइट्रोजन क्षारक, क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। और प्यूरीन का आपका क्या होता है, प्यूरीन में आपका एडिनोन, एडिनोन और ग्वानिन होता है, जबकि आपका नाइट्रोजन क्षारक जो आपका होता है पिरिमिडीन, इसमें कौन कौन सा होता है आपका, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ये दोनों एक, एक कौन सा, एक अक्षर होगा आपका प्यूरीन का, ठीक है, एक अक्षर किसका होगा प्यूरीन का, तो उसके सामने दूसरा अक्षर किसका होगा पिरिमिडीन का होगा, ठीक है। तो यही दोनों आपस में ये जो बॉन्ड बनते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन्हीं से जो है डीएनए मॉलिक्यूल को, द्विकुंडलनीय डबल हेलिक्स को जो है स्थिरता प्रदान होती है। अब देखो कह रहा वाटसन और क्रिक, किसने, वाटसन और क्रिक ने पता लगाया कि थायमिन तथा एडिनिन, थायमिन और एडिनिन, ठीक है, टी और ए, दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा, कितने हाइड्रोजन बंधों द्वारा, यानी कि थायमिन और आपका एडिनिन, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होंगे, दो हाइड्रोजन बंध होंगे, ये किसने पता लगाया था, वाटसन और क्रिक ने ऐसा पता लगा दिया था, ठीक है, उनने ये बता दिया था। और आपका जो ग्वानिन होगा और साइटोसिन, ठीक है, ग्वानिन और आपका साइटोसिन, ये कितने बंधों द्वारा जुड़े रहेंगे आपस में, तीन बंधों द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको याद रखना कि आपका जो थायमिन होता है और एडिनिन होता है, ठीक है, एडिनिन होता है वो डबल बॉन्ड द्वारा दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि आपका साइटोसिन और ग्वानिन ये आपका तीन बंधों द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये सभी क्या है, नाइट्रोजन क्षारक हैं, ठीक है। एक क्या होगा, एक अक्षर किसका होगा आपका प्यूरीन का, तो उसके सामने दूसरा अक्षर किसका होगा आपका पिरिमिडीन का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देखो ये किस तरह से जुड़े हैं आपके, ये देख लो, ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्री कार्बन और यहाँ पर क्या है फाइव, ठीक है, क्या है थ्री और फाइव, और नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, फाइव और थ्री, इसका मतलब कि ये कार्बन है, ठीक है, फिफ्थ कार्बन है, ये क्या है आपका थर्ड कार्बन है, यहाँ पर भी ये क्या है आपका फिफ्थ कार्बन है, और यहाँ पर भी क्या है आपका फिफ्थ थर्ड कार्बन है, इसका मतलब है कि ये थर्ड कार्बन है, इस वाले कार्बन से आपका क्या लगा होगा, फास्फेट ग्रुप लगा होगा, ठीक है, क्या लगा होगा, फास्फेट ग्रुप, वहां पर क्या लगा होगा,
फिफ्थ वाले कार्बन पे फास्फेट ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक इकाई ले ली है, ठीक है, एक थोड़ा सा भाग इसका क्या कर लिया है, तोड़ लिया है, ठीक है, थोड़ा सा भाग इसका, मान लो इतना भाग इसका तोड़ लिया, जहां पर क्या है आपका, ये आपका क्या है, थायमीन, ठीक है, क्या है थायमीन, ये किससे लगा है आपका, एडेनिन से, ठीक है, ये भाग थायमीन आपका किससे लगा है, एडेनिन से। दूसरा क्या है, साइटिन, साइटोसिन, जो कि किससे लगा हुआ है, ये हमने ले लिया साइटोसिन, किससे लगा हुआ है, ग्वानिन से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इतना एक भाग ले लिया है, जिसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके इन्होंने दिखाया है, ठीक है, इतना सा भाग यहाँ से काट करके ले लिया, और इसी का इन्होंने संरचना की जो है अध्ययन किया है, जिससे पता लगा है कि इसमें जो स्थिरता होती है वो क्यों होती है, क्या कारण है, ठीक है, वही जानना। तो क्या होगा, थायमिन, और क्या होगा आपका एडेनिन, जो कि थायमिन होता है वो आपका किसका होता है, पिरिमिडिन का होता है, ये पिरिमिडिन क्षारक होता है, और ये क्या होता है आपका, प्यूरिन क्षारक होता है, ठीक है, प्यूरिन क्षारक, और आपका जो साइटोसिन है ये क्या होता है आपका, प्यूरिन होता है, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन और थायमिन ये कैसे होते हैं आपके, पिरिमिडिन, सॉरी पी आर आई एम आई, ये दोनों साइटोसिन और थायमिन दोनों कैसे होते हैं आपके, पिरिमिडिन होते हैं, और ग्वानिन आपका कैसा होगा, प्यूरिन, ठीक है। तो दोनों आमने सामने, एक क्या है आपका पिरिमिडिन का क्षारक है, तो दूसरा किसका आपका, प्यूरिन का क्षारक है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये इन्हीं के कारण इनमें स्थिरता पाई जाती है। होता क्या, ये जो तीसरा कार्बन लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ, फिफ्थ कार्बन, तो इसके बीच में ये जो आपके मॉलिक्यूल जो दोनों लगे हुए हैं, इसमें जो फास्फेट ग्रुप लगा होगा वो जो आपका राइबोस शर्करा होता है, ठीक है, कौन सा होता है आपका, राइबोस शर्करा की अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये आपका हो गया शर्करा का सूत्र, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ओ एच, यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर क्या है ओ एच, यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर क्या है ओ एच, और यह क्या है एच, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होता है आपका सी एच टू, और ओ एच क्या होता है सी एच टू ओ एच। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और एक ही पांचवा कार्बन, तो फास्फेट अगर इस पे लगा होता है तो हम कहते हैं फिफ्थ कार्बन, क्या कहते हैं फिफ्थ, और अगर फास्फेट ग्रुप आपका यहाँ लिखा है एच थ्री पी ओ फोर, तो इसको कहते हैं थर्ड कार्बन, क्या कहते हैं थर्ड कार्बन, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है कि फास्फेट इसके कौन से ग्रुप से लगा होगा, थर्ड वाले कार्बन से, और यहाँ पर कौन से लगा होगा, फिफ्थ वाले, इधर क्या हो जाएगा फिफ्थ से लगा होगा, तो नीचे कौन सा होगा थर्ड वाले से, ठीक है। तो फास्फेट कहाँ, एक थर्ड से लगा होगा, एक फोर्थ कार्बन, एक कौन से लगा होगा थर्ड कार्बन से, और एक कहाँ लगा होगा फिफ्थ वाले कार्बन से, ठीक है, इस वाली एक इकाई में, और इस इकाई में भी क्या होगा थर्ड और फिफ्थ होगा। अब देखो इनके बीच में ये जो आपके क्या है प्यूरिन, प्यूरिन बेस, और ये क्या आपका थायमिन, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किनने बताया था, क्रिक और वाटसन ने ये बता दिया था कि जो आपका थायमिन और एडेनिन होता है, इनके बीच में दो हाइड्रोजन बंध बनते हैं, कितने बनते हैं, दो हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो यहाँ पर ये NH2 लगा रहता है, इस पर क्या लगा रहता है NH2, जिसमें नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, इसमें थायमिन में, तो ये ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पर आपका क्या लगा होता है NH लगा होता है, क्या NH, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन NH2 का हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो यही बॉन्ड आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हाइड्रोजन बंध। इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो आपका साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है, इनमें आपके तीन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, कितने, तीन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ठीक है, वो आपके कौन कौन से हैं, तीन हाइड्रोजन बंध, NH2 का हाइड्रोजन और इसका, ठीक है, OH का क्या होगा आपका ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये NH का हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है, इसके बीच में भी आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको वन हाइड्रोजन बॉन्ड, टू हाइड्रोजन और थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, तीन आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्या पाया जाता है, स्टेबिलिटी इस तरह से इनमें जो है होती है, ठीक है, इस तरह से ये स्थिर रहते हैं, मेन रीजन इसका यही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में क्या करते रहते हैं, जो आपके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनको जोड़े रहते हैं, ठीक। और भी इसका कुछ रीजन है, वो क्या है, अब देखो इसके बाद, ये तो ऊपर की कहानी है जो हमने पढ़ा था, कह रहा फास्फेट और शर्करा समूहों के विद्युत आवेशी ध्रुवीय परमाणुओं के कारण
क्या होता है इनमें, डीएनए अणु की पार्शो में स्थिर फास्फेट शर्करा श्रृंखला जलरागी होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है जो आपका फास्फेट और शर्करा समूह होता है इसमें क्या होता है, विद्युत आवेशी ध्रुवीय परमाणुओं के कारण इसमें कुछ ऐसे ध्रुवीय ऐसे परमाणु होते हैं जो कैसे होते हैं, पोलैरिटी को शो करते हैं। ठीक है, ध्रुवीयता को दर्शाते हैं। ठीक है, फास्फेट और शर्करा में, तो शर्करा की अगर हम बात करें तो आपका कुछ इस तरह से शर्करा, ये आपका क्या बन गया, शर्करा बन गया, ये आपका OH, एच OH, ये आपका CH2OH। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका शर्करा बन गया। ठीक है, पायरेनोज रिंग टाइप बना दिया, इसलिए इसका ये कौन सी संरचना होगी, पायरेनोज। फास्फेट की अगर हम बात करें तो H3PO4 हो जाता है, क्या होता है, H3PO4। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच और सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, तो क्या हो गया, H3 और PO4। तो इनमें दोनों में कौन सा गुण पाया जाता है, पोलैरिटी का गुण, यानी कि ये पोलरता को दर्शाते हैं। इसके कारण क्या होता है, डीएनए अणु की पार में स्थिर फास्फेट शर्करा फास्फेट समूह और शर्करा श्रृंखलाएं जलरागी होती हैं। कैसी होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं। हाइड्रोफिलिक क्या, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक्स मीन्स क्या होता है, जल रागी, यानी कि जल की ओर रहने वाले, या जिसे कहते हैं वाटर लविंग। क्या कहते हैं, वाटर लविंग भी इसको हम शब्द यूज करते हैं। ठीक है, जो जल की ओर रहते हैं, ये इनमें से ये पूरा जो है फास्फेट और शर्करा, ये कैसे होते हैं, जल रागी, जो जल की ओर रहते हैं। ठीक है, होती है। और केंद्रीय द्रव्य, केंद्रीय द्रव्य, ठीक है, जो आपका केंद्रीय द्रव्य होता है, ठीक है, प्लाज्मा जिसे कहते हैं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियो प्लाज्मा, ठीक है, न्यूक्लियो प्लाज्मा के संपर्क में रहती है। और ये द्रव जो न्यूक्लियर में, हमारा न्यूक्लियर में जो आपका द्रव्य भरा रहता है जैसे प्लाज्मा कहते हैं, उसके संपर्क में ये रहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत क्या होता है, आपका जो दूसरा पार्ट होता है, अध्रुवीय शनाक्षार जलरोधी होते हैं। अध्रुवीय शनाक्षार जो हमने ऊपर पढ़ा था, आपका जो आपके बेस क्षारक थे, ठीक है, क्या थे, आपके नाइट्रोजन क्षारक थे, वो कैसे होते हैं, आपके जल विरोधी होते हैं। कैसे होते हैं, जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल से दूर रहते हैं। किधर रहते हैं, जल से दूर, या जल विरोधी, जलरोधी होते हैं। ठीक है, और जीव केंद्रीय द्रव्य से हटकर डीएनए अणु की स्थिरता में सहयोग प्रदान करते हैं। और ये क्या हो जाते हैं, केंद्रीय द्रव्य से थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, और अपनी उसी पोजीशन में जिसमें फिक्स रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड द्वारा, उसी में रहते हैं। और क्या करते हैं, ये डीएनए अणु की स्थिरता में सहयोग देते हैं। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा क्या कह रहा है, कह रहा है एक दूसरे के ठीक ऊपर स्थिर होने के कारण समाक्षर जोड़ियों के बीच में वांडर वाल बल लगता है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ठीक ऊपर इस तरह से स्थिर रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो समाक्षर होते हैं नाइट्रोजन के बेस, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इनमें क्या होता है, आपका वांडर वाल अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, वांडर वाल आकर्षण लगता है, जिससे डीएनए अणु की स्थिरता और बढ़ जाती है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होने के कारण जो आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समाक्षर कहते हैं। ठीक है, समाक्षर जोड़ियों के बीच में क्या होता है, आपका वांडर वाल लगना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण इनमें थोड़ी स्थिरता और आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है, आपका हाइड्रोजन बंध, क्या है, आपका हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो ये तो था आपका कि आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो स्थिर क्यों होता है, क्या कारण है। ठीक है, तो ये आपके कारण थे दो। ठीक है, एक क्या था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, और दूसरा का क्या रीजन है, दूसरा रीजन है आपका जो सुगर होता है, क्या होता है, सुगर, और आपका क्या होता है, फास्फेट होता है, फास्फेट, सुगर और फास्फेट, ये इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों पोलरिटी को शो करते हैं, पोलरिटी को शो करने वाले इसमें मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, इन दोनों में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि आपका क्या करता है, पोलरिटी को शो करता है, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये जल की तरफ, यानी कि जो केंद्रीय द्रव्य कोशिका जो हमारा प्लाज्मा भरा होता है, ठीक है, उसकी तरफ ये शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या था, इसके अपोजिट दूसरा क्या होता है, जो आपके बेस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बेस, ये कैसे होते हैं, आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, फोबिक होते हैं। ठीक है, फोबिक, जो कि आपके जल से दूर भागते हैं, किधर भागते हैं, जल से दूर भागते हैं। ठीक है, तो जल से दूर भागने के कारण ये प्लाज्मा से, प्लाज्मा द्रव्य जो उसमें भरा होता है, द्रव्य भरा होता है उसका का, उससे ये दूर भागते हैं, और कहाँ रहते हैं,
अपनी फिक्स पोजीशन पे, जहाँ पर इनको, जहाँ पर ये बंधे रहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बंड द्वारा। तो ये भी क्या है, इनका स्थिरता का एक कारण है, ठीक है। आई होप कि आपको डीएनए मॉलिक्यूल में स्थिरता समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दैट वीडियो।